देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के जाने माने चेहरे और दिग्गज नेता शामिल हुए, साथ ही साथ उद्योग जगत के भी नामचीन चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनी। हेमंत सोरेन ममता बनर्जी का भव्य स्वागत करते हुए दिखे और तमाम गठबंधन के नेताओं से उन्होंने ममता बनर्जी को रूबरू कराया। इसी क्रम में देश के कद्दावर और दिग्गज नेता एक कतार में मंच पर विराजमान दिखे, जिसमें शरद यादव और तेजस्वी यादव एक साथ विराजमान दिखे और हेमंत सोरेन सहित राहुल गांधी ने जनता का अभिवादन भी किया और गुरुजी से भी हाथ मिलाया। हम आपको बता दें, एमके स्टालिन जो के अध्यक्ष हैं डीएमके के, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और साथ ही साथ कर्नाटक के कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार भी मंच पर मौजूद थे। देश के कई गणमान्य नेताओं ने इस शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद दिखे। इसी के साथ झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के बगल में बैठे थे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, यानी उन्होंने भी इस शपथ ग्रहण समारोह में अपना योगदान दिया और जनता के बीच आकर हाजिर हुए इस संदेश के साथ कि आपसी मतभेद एक जगह पर है, लेकिन जब शपथ ग्रहण की बारी आई तो सारे नेता एक साथ एकजुट होकर जनता को इस बात का पैगाम दिया कि हम एक हैं। राज्यपाल के आगमन के साथ ही राष्ट्रगान से मोराबादी मैदान परिसर पूरी तरह गूंज उठा। इसके बाद विधिवत तरीके से हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण शुरू हुआ, जिसमें हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता के वादों और विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस पूरे शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का समापन किया। इसी के साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने हेमंत सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। इसके बाद कांग्रेस दल के नेता और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने शपथ ली और सभी गणमान्य अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उनाव ने भी शपथ ली और आरजेडी से चतरा के विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्रिमंडल पद की शपथ ली और इसी के साथ मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया की समाप्ति हुई। महामहिम के साथ नए सीएम हेमंत सोरेन के साथ हेमंत के मंत्रिमंडल के तीन मंत्रियों ने तस्वीरें भी खिंचवाई। हम आपको बता दें, सबने अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री को अभिवादन किया, जिसमें डीएमके के नेता ने करुणा निधि की तस्वीर और शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिवादन किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर।